किश्तवाड़ पुलिस ने आज एक चोरी के रिलेटेड जो है वो एक खबर दी कि किस तरह से एक चोरी को जो है उन्होंने जो है वो उसको रिकवर किया। और मैं बता दूं कि ये जो चोरी है इसका असली मामला क्या है, क्या ये चोरी है या ट्रेप है। जिस तरह से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, उसी तरह से जो है वो अब कुछ चोर जो है वो चोरी का सामान बेचकर जो है यहां पर दुकानदारों को एक तरह से ट्रेप कर रहे हैं और आम सिटीजन से उनको ट्रेप कर रहे हैं। जी हाँ, किश्तवाड़ पुलिस ने आज एक प्रेस रिलीज इशू किया है जिसमें ये दावा किया है कि जो एक दुकानदार है उसके यहाँ से जो सामान चोरी हुआ था जिसकी कीमत 6 लाख रुपया है, यानी कि ये हार्डवेयर का सामान था जिसको पुलिस ने जो है वो रिकवर किया है, और ये लाखों का माल जो है वो एक दुकानदार के यहाँ से जो है वो चोरी हुआ था। मैं बता दूं कि इस सिलसिले में किश्तवाड़ पुलिस ने जो आज एक डिटेल प्रेस नोट जो है वो इशू किया है और बताया गया है कि एक हार्डवेयर स्टोर से जो है कुछ चीजें जो है वो चोरी किए गए थे, जिनमें नलके थे, मोटर्स थे, बाकी जो हार्डवेयर का सामान था वो था। और उस हार्डवेयर के सामान को जो हमें पता चला है कुछ दुकानदारों को जो है वो यहाँ पर भेजा गया था। मैं बता दूं कि जो SSP किश्तवाड़ पोस्टवाल साहब ने जो है वो इस बारे में बताया हुआ है कि 16/4/2024 को जो है एक रिटर्न कंप्लेंट जो है इनके पास मिली थी एक वकार अहमद सनाफ मोहम्मद इरफान रेजिडेंट ऑफ शहीदी मोहल्ला किश्तवाड़, उसे ये बताया था कि उसके यहाँ पर जो ITI के पास उसका हार्डवेयर का स्टोर है वहां पर 12 और 13 अप्रैल की दरमियानी रात को और 15 और 16 अप्रैल की दरमियानी रात को जो है वो कुछ नामालूम जो चोर है उन्होंने जो है वो चोरियां की थी। और इस सिलसिले में किश्तवाड़ पुलिस ने FIR नंबर 103/2024 अंडर सेक्शन 457-380 IPC जो है वो पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड की थी और उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। मैं बता दूं कि किश्तवाड़ पुलिस ने जो है वो जो SHO पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ फिरदौस अहमद के जो जेर निगरानी टीम थे उसको मदद कर रहे थे PSI अनिल शर्मा और उसकी सुपरविजन जो है वो DISP हेडक्वार्टर डॉक्टर ईशान गुप्ता कर रहे थे, और उन्होंने जो है वो CCTV फुटेज जो है वो खंगाली और उसके बाद जो है वो कुछ सस्पिशियस लोग हैं उनको जो है वो इंटरोगेट किया। और बड़ी मेहनत के बाद जो है वो फिर पुलिस को जो है वो एक लीड मिली जिसमें एक शख्स जिसका नाम राहुल सिंह सनाफ गोपाल सिंह, राहुल सिंह सनाफ गोपाल सिंह रेजिडेंट ऑफ नियर TRC किश्तवाड़ जो है वो उसको अरेस्ट किया गया। जो राहुल है मैं उसके बारे में आपको बाद में डिटेल्स बताऊंगा कि राहुल जो है वो कितना शूड क्रिमिनल है और किस तरह से जो है ये मैनिपुलेट जो है वो चोरियां करता था। मैं बता दूं कि इसके बाद एक इसने जो है वो बताया कि जो जो प्रॉपर्टी है वो जो सामान जो है वो चोरी हुआ किया था इसने, उसने जो है वो कुछ लोगों को भेजा था जिसमें जो है वो हार्डवेयर की दुकानदार भी थे और इसमें एक ड्राइवर है जिसका नाम नसीर इलाही है सनाफ चांदी शेख रेजिडेंट ऑफ सैरहाड़। इसके अलावा जो है वो एक और शख्स है मोहम्मद हुसैन सनाफ मोहम्मद अकबर रेजिडेंट ऑफ मालीपेट किश्तवाड़, जावेद इकबाल शेख सनाफ गुलाम हैदर शेख रेजिडेंट ऑफ मालीपेट किश्तवाड़, शेख आकिब इश्तियाक सनाफ शेख इश्तियाक अहमद रेजिडेंट ऑफ खुदरी किश्तवाड़, इन चार को जो है वो बेचा था। जबकि जो ये तीन लोग हैं इनमें दुकानदार थे तीन, और जबकि एक जो नसीर इलाही है वो एक ड्राइवर था गाड़ी का। मैं बता दूं कि इसके बाद जो है वो बताया गया कि जब ये नाम जो है वो आए इसके सामने और फिर इसके डिस्क्लोजर पर जो है वो इनके घरों से और इनकी दुकानों से जो सामान है वो जो है वो रिकवर किया गया। और इसमें SSP किशार ने लोगों से रिक्वेस्ट भी की है कि वो CCTV कैमरा जो है वो इंस्टॉल करें। मैं आपको बता दूं कि जो ये शख्स है राहुल, ये कई साल पहले भी जो है वो मल्टीपल जो चोरी के केसेस है उनमें पकड़ा गया था, और यहां पर इसने कुछ लोगों को LEDs भेजी थी, कुछ लोगों को लैपटॉप भेजे थे और कुछ लोगों को बाकी सामान बेचा था। मैं बता दूं कि जो राहुल है उसकी उम्र इस वक्त जो है वो तकरीबन 22-23 साल है, लेकिन इसने जो है वो आधार कार्ड पर जो है वो अपनी उम्र जो है वो कम लिखाई थी, और इसी वजह से जो है वो पिछली बार इसको जो है वो बेल मिली थी। और हालांकि पुलिस ने उस वक्त जो है वो कंटेस्ट करने की कोशिश की थी कि ये जो है वो एक जो है वो बालिग शख्स है ना कि जो ये एक जुवेनाइल है, लेकिन क्योंकि उस वक्त
इसको जो है वो बेल मिली थी, और उसके बाद जो है वो राहुल अचानक जो है वो गायब हुआ था, और अब जो है वो राहुल फिर से जो है वो मार्केट में आया। और मैं बता दूं कि ये जो राहुल है ये बाजाब्ता तौर पर गाड़ी में माल लेकर जो है वो बस स्टैंड में जो है वो सामान बेचता था, और दुकानदारों के पास जा जाकर जो है इसने ऑफर भी दिए थे। और मैं बता दूं कि हैरानी की बात यही है कि जो ये राहुल है इसको हर चीज के साथ क्या ऑफर है वो भी इसको पता था, जिसके जांचे में जो है ये दुकानदार आए। क्योंकि जब दुकानदारों ने ऑनलाइन जो है वो चेक करना शुरू किया, उसमें ये पता चला कि फलानी नलका है उसके साथ फलानी चीज फ्री है, फलानी ग्रीजर है उसके साथ फलानी चीज फ्री है, यानी कि पूरा जो राहुल है उसने इस तरह से एक्सरसाइज की थी कि जिन लोगों को जो है वो माल बेच रहा था वो प्रॉपर डीलर बनकर जो है वो बेच रहा था। इसी जांचे में आकर जो है वो ये दुकानदार हजरात है उन्होंने उससे जो है वो माल खरीदा। एक तरह से मैं बता दूं कि ये एक फिशिंग थी और एक ये डबल था, लेकिन क्योंकि कानून जो है वो इसमें बताया जाता है कि अगर कोई चोरी का माल खरीदता है उसको भी जो है वो भी जो है उसमें कसूरवार होता है। लेकिन क्या यहां पर जो ये तीन दुकानदार हजरात है जिनके नाम सामने आए, जिनको राहुल ने जो है वो एलिगेशन लगा है कि राहुल ने जो है वो सामान भेजा था और पुलिस ने उसको रिकवर किया, ये उसी तरह के साइबर क्राइम फ्रॉड जिस तरह से हो रहे हैं कि आपको ओटीपी आता है, आपको कोई फोन करता है, आपको कोई कुछ करता है, उससे जो है वो आपके अकाउंट से जो है वो लाखों के पैसे जो है वो काट जाते हैं। हालांकि किश्तवाड़ पुलिस ने कई साइबर के केसेस जो है वो सॉल्व किए लेकिन उसमें कोई अरेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ अलबत्ता पैसे जो है वो रिकवर हुआ। लेकिन यहां पर जो है वो इन तीन जो चार में से जो है वो तीन लोग जो है वो गिरफ्तार हुए थे, जबकि शेख आकिब इश्ताक जो है उसने ऑलरेडी जो है वो एंटीसिपेटरी बेल जो है वो निकाल के रखी थी। वकार के अलावा भी जो है वो कई जगह चोरियां हुई है और वो वहां पर भी जो है वो सामान सिंटेक्स वगैरह जो है वो भी बरामद हुई है। अब पुलिस उसमें भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और मैं लोगों से अपील करता हूं क्योंकि देखिए ये एक ऐसी चीज है जो जिस तरह से मैंने बताया कि जो नसीर इलाही है वो एक ड्राइवर था, उसने अपने मालिक से 10,000 लेकर जो है अपने घर के लिए जो नलके शलके और कुछ सामान जो है वो खरीदा था, जिसको अब पुलिस ने रिकवर किया। और अब सिर्फ सवाल यही होता है कि क्या जो ये चार लोग पकड़े ये एक फ्रॉड के जो है वो शिकार हुए, जहां पर राहुल इनसे जो है वो तकरीबन 78,000 रुपए जो है वो लेके गया है, यानी कि जो कुछ सामान इसने जो है वो बेचा है इनको और बाकी सामान जो है वो राहुल से रिकवर हुआ। और यहां तक कि जो जुंगे वाला है ये बाजाब्ता तौर पर जो है वो जुंगे में सामान लाता था, एक तरह से फड़ी और रेड़ी लगाता था, फिर जो है वो सामान बेचता था और किसी को भनक तक नहीं लगी। हालांकि जो विकार है उसको भी जो है वो चोरियां हो रही थी उसको भी जो है वो पता नहीं चला, लेकिन बाद में सीसीटीवी कैमरे में जब ये चोर आया है तब जाकर उसको पता चला और फिर इसको जो है वो पहचाना गया। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जब भी कोई यहां पर आता है, हम अक्सर देख रहे हैं कि कोई श्रीनगर से आ रहा है, कोई जम्मू से आ रहा है, यहां पर गाड़ियों में जो है वो सामान बेच हैं, कपड़े बेचते हैं, बर्तन बेचते हैं, बाकी चीजें बेचते हैं, मेरे लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो ये सब चीजें जो है वो ना खरीदे, क्योंकि कल अगर वो चोरी का सामान निकलेगा आप इसी तरह से जिस तरह से ये तीन दुकानदार हजरात जो है वो इसमें फंसे, इसी तरह से जो आप भी जो है वो फंसे। और आज जो पुलिस ने इनका जो प्रेस नोट इशू किया और जाहिर सी तौर से बात है मैंने समझा कि मैं इस केस के की जो बैकग्राउंड है उसके बारे में भी बता दूं, ये जो दुकानदार हजरात है ये चोर नहीं है, अलबत्ता इनकी सिर्फ इतनी ही गलती है कि इन्होंने जो है वो चोरी का सामान खरीदा है और ये उस जासे में आ गए हैं जहां पर एक शख्स जो है वो उस सामान का जो है वो ट्रेडर बन के आया है और जो मार्केट में जो है वो ऑलरेडी जो है वो चीजें बेचता था। जब ग्राहक इनके पास आते थे जो इन्होंने हमें बताया कि वो बोलता था कि फलानी शख्स जो है वो जो डीलर है वो सस्ते में बेचता है, आप दुकानदार हजरात जो है वो महंगे में बेचते हो। फिर इसने जब कोशिश की इनको बार बार ये सामान लेकर आने लगा तो इन लोगों को जो है वो फिर शक हुआ, फिर इन्होंने ही जो है इनमें से कुछ लोगों ने जो है वो इंफॉर्मेशन दी है जो हमें पता चला है जो पुलिस तक बाद में पहुंची और उसको लेकर ही जो है वो फिर राहुल पकड़ा गया और ये सामान जो है वो रिकवर हुआ। अब ये देखना होगा कि इस केस में जो है वो आगे चलकर क्या होता है, जो डिफेंस काउंसिल है वो क्या दलील देता है इसको लेकर वो देखने की बात है, लेकिन मैं लोगों को बोलूंगा कि वो जो है इस मामलों में होशियार रहे, वरना जिस तरह से आज ये चार लोग जो इस वक्त
आज कोर्ट से जो है इनको बेल हो गई, तकरीबन 3 दिन के बाद इनको बेल हो गई आज, और ये लोग जो है वो पुलिस की कस्टडी से आज बाहर आए। लेकिन इसमें जो है वो हमें कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है। मेरी इन चारों लोगों के साथ सिर्फ इसलिए सिंपैथी है कि जो राहुल जो है वो एक शातिर चोर है, जो चोरियों की एक्टिविटीज में माहिर है, और ये शख्स इतना चालाक है कि इसने अपने आधार कार्ड जो है वो इस बेस पे बनाया है कि उसमें कम उम्र दिखाई गई है। जब ये पहले भी पकड़ा गया था तब भी जो है वो ये 18 साल प्लस था, आज जो है वो इसने अपनी उम्र जो है वो एज पर कागज जो है वो 18 साल कुछ महीने है, तभी ये आज भी इस वक्त जो है वो पुलिस की कस्टडी में है। और मेरी जो SSP किश्तवाड़ है उससे रिक्वेस्ट है कि इस राहुल के केस की जो है वो पूरी तरह से तहकीकात की जाए, क्योंकि ये जो काम है, जितना ये माल जो रिकवर हुआ आपने फोटोग्राफ्स में भी पहले देखा होगा, और आखिर पर भी हम आपको ये फोटोग्राफ दिखाएंगे कि कितना माल जो है ये आसानी से जो है वो चोरी का माल जो है वो छुपा छुपा कर जो है वो लेकर बेचा जाता है। लेकिन इतना जो ये माल रिकवर हुआ आप देख सकते हो कि इसमें ये तकरीबन 2 जुंगे माल है, यानी कि जुंगे में लेकर जो है ये गाड़ी में लेकर जो है ये पूरा बस स्टैंड में गाड़ी लगाता था, फिर जो है वो माल वहां पर बेचता था। और आप इसकी शातिर और दिमाग को जो है वो देख सकते हो कि आज ये इस उम्र में जो है वो इतनी इतना शूड और इतना परफेक्ट क्रिमिनल है कि इसने किस तरह से दुकानदारों को जो है वो बेवकूफ बनाया, उनको जो है वो कंपनी का एजेंट बनकर जो है वो सामान बेचा जबकि वो सामान चोरी का है। अब इसमें आगे भी चलकर जो है वो डेवलपमेंट होनी है, क्योंकि राहुल जो है ये इतना बड़ा काम अकेले नहीं कर सकता, जरूर इसके साथ कोई ना कोई और जो शामिल है इसी के जैसे लोग, पुलिस जो है उनकी तलाश कर रही है ताकि यहाँ पर जो बाकी भी चोरों के मामले हुए हैं उनको जो है वो देखा जाए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।